SN Live सच सबसे आगे। सिवान के भगवानपुर हाट में हुस्ना खातून की हत्या मामले में तीसरे आरोपी गोलू शेख की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी। 13 अप्रैल की शाम तेज धारदार हथियार से प्रहार कर उतारा गया था मौत के घाट छपरा के दहिया दरगाह निवासी है हुस्ना खातून। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बड़का गांव शेख टोली में अपनी पुत्री के घर आई महिला की 13 अप्रैल की शाम तेज धार हथियार से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि एक आरोपित अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि तीसरे आरोपित को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में मृतका की पुत्री अजमेरी खातून के आवेदन पर संजीदा बेगम शबनम खातून एवं गोलू शेख को आरोपित किया गया है। ज्ञात हो कि छपरा के दहियावा दरगाह निवासी हुस्ना खातून अपनी पुत्री अजमेरी खातून के ससुराल बड़का गांव शेख टोली में आई थी। 13 अप्रैल को अजमेरी खातून रमजान के लिए खरीदारी करने बाजार गई थी। इस दौरान अजमेरी खातून की गोतनी संजीदा बेगम अपनी बहन शबनम खातून एवं गोली शेख के सहयोग से उसकी हत्या कर कमरे छुपा दिया था। जब अजमेरी खातून बाजार से घर लौटी तो अपनी माँ को ना देख उसकी खोजबीन की तथा माँ को नहीं मिलने पर वह चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज पर आसपास के लोगों को आता देख सभी आरोपी भागने लगे। तभी ग्रामीणों ने संजीदा बेगम व उसकी बहन शबनम खातून को पकड़ लिया था तथा पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा तीसरे आरोपी गोलू शेख की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिवान सेशन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर